धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं अब तक क्षेत्रीय खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और हमारे सम्मान्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही अच्छा बिल लाया है। इस बिल के माध्यम से देश और राज्य को आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। मैं प्रहलाद जोशी जी का अभिनंदन इसलिए भी करूंगा कि गए हफ्ते में एक बिल लाकर उसे उन्होंने मंजूरी प्राप्त करवा ली और एक बहुत बड़ा काम पूरे देश के लिए हुआ है। सभापति महोदय जी, अब तक क्षेत्र खनिज और विनियम संशोधन बिल 2023 के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे देश में जो 8000 किलोमीटर समुद्र तट है और उसमें भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे क्षेत्र है जहां पर राजस्व बड़े पैमाने पे देश को मिलने वाला है। ये बिल पास होने के बाद बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस राज्य में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी समय पर उपलब्ध होगा और एक बहुत बड़ा काम देश के लिए होगा। ये जो बिल पास होने के बाद में बहुत ही पारदर्शिता से ये बिल को लाया गया है, जिसमें बिडिंग होगा, कोई भाई भतीजे को ये टेंडर मिलने वाला नहीं है और बहुत ही पारदर्शिता सिस्टम से इस बिल को पेश होने के बाद में जो व्यापारी वर्ग है उनको काम मिलेगा और व्यापारी वर्ग को भी देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया है उसके माध्यम से बार बार उनके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए कोई सरकारी दरबार में चक्कर मारने नहीं पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म एक्सटेंड करने की भी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से है। ये बिल पास होने के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रकार का भी आएगा। राज्य सरकारों को इन दिनों में मोदी जी जब सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो गए 9-10 साल में हम लोगों ने देखा कोई भी राज्य के सरकार के जो भी विपक्ष के भी जो नेता है उनके राज्यों को कोई राजस्व कम मिला है, रेवेन्यू कम मिला है, इस प्रकार की कभी भी कोई बात यहाँ पर उठाई नहीं है। इसलिए इनके पास इन दिनों में कोई काम नहीं है, इसलिए बोलेंगे क्या यह पार्लियामेंट में इस प्रकार। इसलिए हर विधान लोकसभा के सभा शुरू होने के पहले कोई एक मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे पर पूरा संसद को इस प्रकार से न चलने देने का इनका ये प्रयास हुआ है। मुझे अच्छी तरह से ये याद आता है, अध्यक्ष महोदय जी, सभापति महोदय जी, मैं कॉरपोरेशन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब GST का बिल पास हुआ तो GST बिल पास होते समय हमारे साथ में जो 25 साल शिवसेना के लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन उनके मन में भी ये शंका थी कि GST पास होने के बाद, बिल पास होने के बाद में कॉरपोरेशन को कम पैसा मिलेगा, इतना बड़ा मुंबई महानगर पालिका हम कैसे चलाएंगे। तो उन दिनों के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी थे, उन्होंने इस बात का वादा किया, आश्वासन किया कि आपको कोई पैसा कम मिलेगा नहीं। इसलिए जो पहला चेक है, जो जितना पहला पैसा मिलता था वो चेक कॉरपोरेशन में जाकर उन्होंने दिया और उसके बाद में आपने देखा कि पहले से भी ज्यादा पैसा इन दोनों में कॉरपोरेशन को मिल रहा है और इन दोनों में किसी भी पार्टी की सरकार ना होने के बावजूद मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छी तरह से जी, केवल बिल पर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो दिन के पहले जब मंत्री महोदय जी ने कहा जो मिनरल बिल पहले भी पास हुआ उसके माध्यम से उड़ीसा जैसे राज्य को 2000 करोड़ का लाभ हर साल होता है जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल पास होने के बाद में भी जी सभी राज्यों को बड़े पैमाने पे पैसा मिलने वाला है। थैंक यू। पहले के सरकार के दिनों में कांग्रेस के जमाने में 32% राशि मिलती थी, मोदी जी ने 2015 से ये 42% राशि देना प्रारंभ किया, यानी 10% राशि बगैर मांगे श्री पिनाकी मिश्रा जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभापति जी, थैंक यू। बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन और जी हमने डेवलप किए और ये गार्डन और प्लेग्राउंड आपको मालूम है कि बच्चों को रेती के साथ में खेलने का एक शौक था उनको। और जब हम कलेक्टर को भी कहते थे कि भाई दरिया के बाजू में से हमको रेती लाकर यहाँ पर डालना है तो वो कलेक्टर भी उसका इजाजत देते नहीं थे, लेकिन जो भू माफिया है वो लाकर देते थे। अब ये बिल पास होने के बाद सरकार के माध्यम से हम ऑफिशियल दरिया के पास में जो रेती ठीक है वो हम ला सकते हैं।